मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था जो मेरे पास डीवीडी प्लेयर आया था रिपेयरिंग के लिए, उसको मैंने एक मॉड्यूल कनेक्ट किया था, ब्लूटूथ मॉड्यूल मैंने कनेक्ट किया था, तो उससे मुझे कमेंट आया था, सर आपने 7805 का वायरिंग कनेक्शन नहीं समझाया। ओके, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। अब ये 7805 है, नंबर दिख रहा होगा आपको 7805, तो अब इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। ओके, मतलब इसका मैं वायरिंग कनेक्शन समझाने वाला हूँ। अभी एक्चुअली बेसिकली है क्या, ये 7805 में जो है आपका, आप मिनिमम इनपुट वोल्टेज, मतलब ये एक रेगुलेशन का काम करता है। रेगुलेशन समझो कि एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है, एक ब्रिज समझो, ओके, एक पुल है, उस पुल पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसका कहना क्या है भाई, तुम 100 लोग भी हो मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ 5 लोगों को ही छोड़ूंगा, समझ रहे हो। रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, रेगुलेटर, ये रेगुलेटर आईसी है, ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ओके, तो ये क्या बोलता है कि तुम 10-15 लोग चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं एक बार में सिर्फ 5 लोगों को छोड़ सकता हूँ। एक आदमी इक्वल टू 1 वोल्ट समझ के चलो, 5 आदमी मतलब 5 वोल्ट, तो ये सिर्फ एट अ टाइम सिर्फ 5 ही आदमी को छोड़ता है, मतलब 5 ही आदमी को वो पुल क्रॉस करने का परमिशन देता है, ऐसा समझो, ये और बाकी जितने भी लोग रहते हैं उनको रोक के रखता है। इसका ये बेसिकली ये काम है। तो इनपुट वोल्टेज, इसका मिनिमम इनपुट वोल्टेज है 7 वोल्ट, ठीक है, कम से कम इनपुट 7 वोल्ट चाहिए तब आपको एग्जैक्ट 5 वोल्ट मिलेगा। ओके, और आप इसे 5 वोल्ट भी इनपुट दोगे तो वो वोल्टेज ड्रॉप होगा 4.7 के आसपास, आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, बट एक्चुअली वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए इस कंडीशन पे, फिर भी कुछ कंपोनेंट एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। आप 6 वोल्ट दोगे तो भी वो 7805 है, तो ये 5 वोल्ट आपको आउटपुट बनेगा। तो मिनिमम इसका मतलब, जब आप उसका डेटा शीट चेक करोगे तो इसके डेटा शीट में क्या मेंशन है कि मिनिमम 7 वोल्ट चाहिए, मैक्सिमम आप उसे 25 वोल्ट दे सकते हो, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम 25 वोल्ट दोगे तो 25 वोल्ट दोगे तो 25 वोल्ट आउट नहीं करेगा, वो 5 वोल्ट ही आउट करेगा। 7 वोल्ट वही दोगे तो वही 5 वोल्ट आउट करेगा, 15 वोल्ट दोगे तो वो 5 वोल्ट आउटपुट करेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है, सिर्फ 5 वोल्ट। तो अब ये 5 वोल्ट मैंने उस मॉड्यूल में यूज़ किया था, तो इसका बेसिक वायरिंग बात समझाने वाला हूँ। मैंने हीटसिंक लगाया था और ये सब किया था, मैंने बताया नहीं उसमें कैसे किया था, ठीक है। तो अभी सबसे पहला ये, ठीक है, तो इसके अंदर से आउटपुट करंट कितना निकाल सकते हो आप, मैक्सिमम 1.5 एम्पियर तक निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा आप इससे आउटपुट करंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। और आपको इससे ज़्यादा आउटपुट करंट निकालना है तो इसका ऐसा समझो कि इसको बर्फ की सीली पे रखना पड़ेगा, तो आप इससे 1.5 एम्पियर से भी ज़्यादा आउटपुट करंट निकाल सकते हो, बट कंडीशन क्या है, ये ठंडा होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल ये ठंडा क्यों होना चाहिए, तो नॉर्मल इसका वर्किंग टेम्परेचर बोलते हो कि जिस टेम्परेचर रेंज के अंदर ये वर्क करता है वो मैक्सिमम 125 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो कभी भी किसी कंपोनेंट का वर्किंग टेम्परेचर 125 है तो उसको ठंडा करने के लिए हमें फ़ैन, कूलिंग, कुछ ना कुछ मेथड देना पड़ता है, हीटसिंक लगाना पड़ता है कि वो उस करंट लेवल तक वो रीच कर सके जितना उसका आउटपुट वेटेज है। तो अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी से मुझे 1.5 एम्पियर करंट निकालना है, जैसे उसमें जो उस किट में उतना 1.5 एम्पियर की रिक्वायरमेंट नहीं था, वो हार्डली 0.12 मैक्स टू मैक्स 0.3 एम्पियर तक लेता होगा करंट, उससे ज़्यादा करंट नहीं लेता होगा, मैंने टेस्ट नहीं किया, बट मैक्स टू मैक्स 0.3, इसके ऊपर वो करंट नहीं ले सकता क्योंकि उसके अंदर ड्यूअल सर्किट है, ड्यूअल पावर सप्लाई सर्किट था अलग अलग, क्योंकि एम्पलीफायर सेक्शन के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर का सर्किट था, इस केस में नहीं था। अब ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का एक ही काम था कि वो जो हमारा किट है वो किट को सप्लाई देना, ओके, तो और उस तरह से लाइन ही आउट होता, बस उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं था उसका, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये हीटसिंक लिया हूँ, ये रेगुलेटेड आईसी है, ठीक है। अब ये 7805 है, ये 3 पिन आईसी आता है बेसिकली, ठीक है। ये 220 पैकेज है, इसमें 2 टाइप आते हैं, एक आइसोलेटेड आता है, एक नॉन आइसोलेटेड आता है, ये नॉन आइसोलेटेड है। हाँ, आइसोलेटेड मतलब क्या है, इसका जो बॉडी रहेगा पूरा प्लास्टिक का बना रहेगा। अब प्लास्टिक पैकेजिंग में क्या हो जाता है, आप किधर भी 2 कंपोनेंट लगाओगे तो शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इसका पूरा ग्राउंड ये हीटसिंक हो गया, ऐसा समझो, ठीक है। और प्लास्टिक पैकेज में ये पूरा ग्राउंड, ये हीटसिंक एज अ ग्राउंड वर्क नहीं होता, वो सेपरेट हो जाता है। अब ये हीटसिंक पे अप्लाई करने से पहले मैं हीटसिंक पेस्ट लगाऊंगा। अब हीटसिंक पेस्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है, जो आपका एयर गैप होता है, ठीक है, एयर गैप ना हो इसके लिए हीटसिंक पेस्ट लगाना ज़रूरी है। तो मैं बेसिकली इसमें एक हीटसिंक पेस्ट लगा रहा हूँ, ओके। फिर इसको स्क्रू ड्राइवर से हमें
फुल्ली टाइट कर लेना है। तो अब ये 3 पिन कंपोनेंट है, तो इसमें 3 पिन है, ओके। तो इसमें पहला नंबर देखो, यहाँ से कंसीडर करो, आपके सामने रखो, लेफ्ट साइड का आपका पहला नंबर पिन रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का 1, सेंटर का 2, और राइट साइड में जो आपको आएगा वो 3, ठीक है, ऐसा पिन आउट रहेगा। तो इसमें जो इनपुट वोल्टेज हम देते हैं पिन नंबर 1 को देते हैं, अब जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं वो हम पिन नंबर 1 को देते हैं। अब पिन नंबर 2 हमारा ग्राउंड रहता है कॉमन, इनपुट आउटपुट दोनों कंडीशन में हमारा ग्राउंड पिन नंबर 2 रहेगा, और हमारा जो पिन नंबर 3 है ये आउटपुट रहता है। तो अब उसी का वायरिंग कनेक्शन में समझाने वाला हूँ। अब देखो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 7805 में है, प्रोटेक्शन सर्किट हो जाता है आपका, फिक्स आउटपुट रेगुलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव सर्किट कैसा होता है, ठीक है, एडजस्टेबल आउटपुट कैसे निकालते हैं, करंट रेगुलेशन क्या क्या होता है, रेगुलेटेड डुअल सप्लाई कैसे वर्क करता है, पोलैरिटी रिवर्सल कैसे होता है इनपुट साइड आउटपुट साइड, ठीक है, रिवर्स वायर प्रोटेक्शन सर्किट कैसे अप्लाई करते हैं 7805 में, ये सारे सर्किट में आपको ऐसे समझाने वाला हूँ। तो वो सारे सर्किट में आपको एक्सप्लेन करूँगा, और इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा मिला मुझे तो, ठीक है, बेसिकली स्पेशली तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं बनाने का, ठीक है। तो मेरे 3 टर्मिनल है, मैं तीनों को सेपरेट कर लेता थोड़ा सा, ओके। अभी 3 पिन हो गया, समझ गया, आपको इनपुट देना है तो 1 और 2 के बीच में देना है, आउटपुट लेना है 2 और 3 के बीच से आपको आउटपुट लेना है, ठीक है, 1 2 3। तो अभी मैं सोल्डर गन ऑन कर रहा हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अभी हमारा सोल्डर गन गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसे सोल्डर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसा मैंने 1 नंबर पिन को भी मैं मेटल लगा रहा हूँ, 1 नंबर पिन हमारा क्या है, इनपुट सप्लाई है, 2 नंबर पिन हमारा ग्राउंड है कॉमन, 3 नंबर में हमारा आउटपुट सप्लाई है, ठीक है, 3 नंबर आउटपुट है, 1 नंबर इनपुट है, 2 नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर आउटपुट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो वाइट वाला है एज अ मैं इनपुट, वाइट वाला वायर जो है एज अ इनपुट में सप्लाई में कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। अब ये कनेक्ट हो चुका है, और जो मेरा ब्राउन कलर है मैं एज अ ग्राउंड ले रहा हूँ, अभी मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब देखो 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, यहाँ पे 2 वायर है, दोनों को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ब्राउन कलर वायर है, और ये मेरा 3 नंबर पिन, 7805। तो अभी इसका वायरिंग तो हो चुका है, मैंने इसको वायर को सोल्डर कर दिया, मैं तो सेपरेट कर लेता हूँ इसको। अब इसको सप्लाई कैसे देना है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास 24 वोल्ट का SMPS पावर सप्लाई है, मैं वो देने वाला हूँ। तो अभी मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ इसके साथ, अभी मेरा मल्टीमीटर का जो ग्राउंड है, ग्राउंड में यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मल्टीमीटर ग्राउंड है, मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करना हो डीसी वोल्टेज तो डीसी फंक्शन पे लेके जा रहा हूँ मैं मल्टीमीटर को, यहाँ पे डीसी दिख रहा होगा आपको। तो अभी मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर लिया, अभी मैं ग्राउंड दे रहा हूँ, ग्राउंड दिया मैंने, ये मेरा पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट किया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैं आउटपुट वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वायर मैंने बाहर रखा हुआ है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, फिर भी आपको ट्रस्ट ना हो तो मैं एक काम करता हूँ, इधर करता हूँ, ठीक है, अभी देखो, अभी इसलिए मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, मैंने ग्राउंड भी कनेक्ट कर दिया। अब मैं पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ,
आउटपुट मल्टीमीटर का आउटपुट वोल्टेज पे ध्यान दो। देखो मैंने ऑन किया, ओके ऑन करते कितना आउटपुट आया 5.023, ठीक है। 0.023 जो है इसको कंसीडर नहीं होता, एक फ्लक्चुएशन में कंसीडर होता है, एक लीक 10% हमेशा कभी भी याद रखो, जो भी कंपोनेंट रहता है उसका रेटिंग जो रहता है उसके अंदर प्लस माइनस 10% प्लस माइनस 5% ये कॉमन है, ओके। क्योंकि ये जो कंपोनेंट इतना हाईली एक्यूरेट नहीं होता बट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। आपको एग्जैक्ट 5 वोल्ट आउटपुट मिला, ये जो है ये लीकेज बोल सकते हो इसको, लीकेज वोल्टेज है 0.23 जो दिख रहा है लीकेज है, किसी किसी में 0.03 आ जाता है, 0.04 आ जाता है, 0.05 भी है, एक्सेप्टेबल कहाँ तक है आपका एक्सेप्टेबल 5 वोल्ट आउटपुट वोल्ट एक्सेप्टेबल कितना था, तो 5.4 रहेगा, ठीक है 5.4 5.6 वहाँ तक रेंज दिखेगा, ठीक है। वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि मेरा 5 वोल्ट ओके, 5 वोल्ट सर्किट मेरा ओके, 5.5 के आगे जैसे क्रॉस करेगा, ठीक है 5.5 भी एक्सेप्ट कर सकते हो, उतना सर्किट सस्टेन कर लेता है, क्योंकि जो हमारे ट्रैक्स रहते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस रहता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ओके। तो अभी इतना कंसिडर कर सकते हो कि है ओके मेरा 5.5 तक है, 5.5 के ऊपर गया तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को, बट ये रेगुलेशन में कॉमन है, वो चल जाता है, क्योंकि लोड होने पे वो रेजिस्टेंस उतना वोल्टेज वो ड्रॉप हो जाता है उसके अंदर। तभी मैंने सप्लाई दिया। अभी बेसिकली होता क्या है सर्किट में, मैं समझाता हूँ आपको। अभी वायरिंग समझ लो, वायरिंग क्या है, ये मेरा प्लस है, ये मेरा प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। प्लस की वायर कहाँ गया है, प्लस की वायर कहाँ गया है, प्लस की वायर गया है यहाँ पे एक नंबर पिन को। दो नंबर का वायर कहाँ गया है, जो मेरा ग्राउंड है, निगेटिव सप्लाई है, जो ग्राउंड है मेरा, वो ग्राउंड कहाँ गया है, दो नंबर के पिन को, ओके। तो ये मेरा इनपुट सेक्शन हो गया, ठीक है, ये मैंने इनपुट दे दिया। और आउटपुट कहाँ से निकला, ग्राउंड दो नंबर पिन से मैंने एक वायर निकाला, ग्राउंड को गया, ठीक है। और वहीं से तीन नंबर पिन से मैंने एक आउट पॉजिटिव निकाला, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, ये मेरा जीरो वोल्ट हो गया, ये ग्राउंड जीरो वोल्ट हो गया और प्लस ये हो गया। तो आपको किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आपको सेकेंड नंबर का सेक्शन, ये वाला आउटपुट सेक्शन आपको कनेक्ट करना है जो उस मॉड्यूल में था। तो प्लस आपको मतलब मॉड्यूल छोड़ दो, आप किसी भी सर्किट में अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव लाइन जो आपका रहेगा हमेशा तीन नंबर का पिन रहेगा। देखो तीन नंबर का पिन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा और दो नंबर का पिन आपका निगेटिव रहेगा, ठीक है, ग्राउंड रहेगा। दो नंबर का पिन आपका ग्राउंड रहेगा, तीन नंबर का पिन आपका आउटपुट रहेगा और एक नंबर इनपुट रहेगा, दो नंबर ग्राउंड रहेगा। ग्राउंड हमेशा कॉमन रहेगा। रेगुलेटर 3 पिन रेगुलेटर कंपोनेंट कोई भी यूज़ करोगे, 7-8 सीरीज लो, 7-9 सीरीज लो, कुछ भी लो, आपका कॉमन ग्राउंड रहेगा, 3 पिन टर्मिनल, ठीक है। 3 टर्मिनल वाले कोई भी कंपोनेंट, रेगुलेटर कंपोनेंट यूज़ करो, ग्राउंड आपका हमेशा कॉमन रहेगा, ठीक है। सेपरेट क्या होगा, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, पॉजिटिव इनपुट पॉजिटिव आउटपुट आपका सेपरेट रहेगा। अब ये बेसिकली हो गया, कनेक्शन समझ गया। अभी एग्जैक्ट थोड़ा सा पेपर वर्क पे आते हैं, थोड़ा सा उसे और इम्प्रूव करते हैं हमारे नॉलेज को, ओके। तो अभी इसको चेक कैसे करते हैं, अभी मैंने समझ लिया कि चलो ये 7805 है, मैंने कनेक्ट किया। इसको चेक करने का सीधा तरीका क्या है, आपको मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लेके जाना है। डायोड रेंज पे गया तो आप पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड को कनेक्ट करोगे, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल आप ग्राउंड को कनेक्ट करोगे, एक नंबर पिन को कनेक्ट करोगे। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 0.628, ठीक है, एक नंबर पिन पे, मतलब इनपुट ओके है हमारा, ठीक है। फिर वही टर्मिनल तीन नंबर पे लेके जाओगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 1.220, मतलब हमारा आउटपुट भी ओके है, इनपुट ओके है, हमारा आउटपुट ओके है। अब इसको रिवर्स करोगे, जो ग्राउंड को है हम निगेटिव कनेक्ट करेंगे और हम फिर इनपुट चेक करेंगे, कितना दिख रहा है, 2.9, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1.8, मतलब हमारा इनपुट आउटपुट क्लियर है। हमें डायोड वैल्यू एक लोएस्ट रेंज में रिवर्स में दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब आप इसका स्केमेटिक डायग्राम देखो, जब आपका इसका स्केमेटिक डायग्राम देखोगे तो उसमें देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारे, मतलब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम जब देखोगे आप डेटा शीट के अंदर, तो आपको दिखेगा उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, बहुत सारे रजिस्टर यूज़ किए हुए, ओके, और उसके साथ साथ एक जीनर डायोड यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या, इसके अंदर जीनर डायोड होता है, एक ऐसा समझो कि ये जीनर डायोड है,
सेम चीज़ है, फंडा थोड़ा सा अलग है, अंदर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे काम करोगे तो इसके अंदर डार्लिंगटन पेयर के थ्रू मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर देखेंगे, जो आपका दो ट्रांजिस्टर का पेयर रहता नहीं क्या, ऑन ऑफ स्विचिंग सर्किट जैसा, उसका इसका इंटरनल डायग्राम दिखेगा आपको। बट बेसिकली इतना दिमाग में रख लो कि ये भी एक जीनर डायोड ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका इनपुट वोल्टेज वेरिएबल है, आउटपुट वोल्टेज फिक्स है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज वेरिएबल है, आउटपुट वोल्टेज फिक्स है। अब ये तो मैक्सिमम 25 वोल्ट तक वर्क कर रहा है, अब मैं चाहूँगा तो मैं इससे ज़्यादा वोल्टेज दूँ तो क्या होगा, उस केस में ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करना है, वो डैमेज ना हो। मेरे पास वोल्टेज सपोज एज्यूम करो मेरे पास 100 वोल्ट है और मुझे देना है, मुझे 100 वोल्ट देना है, बट मैक्सिमम लिमिट क्या है इनपुट का 25 वोल्ट है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली इसके प्लस सप्लाई में एक रजिस्टर यूज़ करूँ, डाल दो 10 ओम 20 ओम का 22 ओम का कोई भी रजिस्टर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 वैट इसके अंदर 2 वैट डाल दो, नहीं 3 वैट का रजिस्टर डाल दो, 1K का 3 वैट का रजिस्टर डाल दो, 100 वोल्ट इनपुट दो, आपको आउटपुट एकदम प्रॉपर मिलेगा। ये कंपोनेंट भी डैमेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लगे तो एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या फ़र्क पड़ता है। 15 रुपये का कंपोनेंट है, 10-15 रुपये में आता है, उड़ा के देखो। ठीक है, कंपोनेंट को उड़ा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा पेपर वर्क पे आ जाते हैं, बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो। जैसा मैंने बोला ये हमारा कंपोनेंट है, 1, 2, 3। ठीक है, ठीक है, तो 1, 2, 3। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ ब्रीफ में लेता हूँ, 1, 2, 3। कभी भी याद रखो, इनपुट सप्लाई दोगे तो ये मेरा पॉजिटिव इनपुट है, 7 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड तो कॉमन है, ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, आउटपुट 5 वोल्ट। अब ये ग्राउंड कॉमन है, इसके बीच में हमेशा एक कैपेसिटर ऐड करना पड़ता है। फोर्थ, अब कैपेसिटर इसलिए ऐड करना पड़ता है कि जो जो यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं उसके अगेंस्ट सपोज ये आउटपुट जितना खींच रहा है मतलब आगे इसका जो भी लोड होगा, लोड जो आउटपुट खींच रहा है उसको इनपुट करंट कम ना पड़े। ठीक है, इनपुट करंट कम ना पड़े इसके लिए हमें यहाँ पे ये कंपोनेंट को एक कैपेसिटर इनपुट में कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट डेटा शीट के हिसाब से आप 0.33 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर आप कनेक्ट कर सकते हो। अब कैपेसिटर का इनपुट वोल्टेज कितना होगा, मैक्सिमम लिमिट क्या है 25 वोल्ट, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना हो सकता है 25 वोल्ट। आप यहाँ पे 35 वोल्ट कैपेसिटर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 35 वोल्ट के ऊपर जितने ही वोल्ट है सारे वोल्टेज के कैपेसिटर डालो, बट 35 के नीचे मत डालो। ठीक ठीक है, 35 वोल्ट का कैपेसिटर डाल दो, 35 वोल्ट के ऊपर जितने भी टाइप जितने भी हाई वोल्टेज कैपेसिटर हो सारे वो कैपेसिटर आप डाल सकते हो, उसके नीचे मत डालना सेफ्टी पर्पस, नहीं तो क्या क्या होगा, हल्का सा फ्लक्चुएशन आया तो आपका कैपेसिटर फुल जाएगा। अब ये मैक्सिमम कहाँ यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर बेस्ड सर्किट जहाँ रहता है वहाँ पे यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर बेस्ड सर्किट जहाँ रहता है वहाँ पे यूज़, SMPS सर्किट में यूज़ नहीं होता ज़्यादातर, क्यों, SMPS ऑलरेडी रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आता है। ठीक है, तो अभी और यहाँ पे अभी इनपुट साइड कैपेसिटर, आउटपुट साइड में भी आपको एक कैपेसिटर ऐड करना चाहिए, क्यों, स्टेबिलिटी आ जाता है, प्यूरिफिकेशन बोलते नहीं ये हम लोग जो फिल्टर, वो एक फिल्टर, ये दोनों फिल्टर कैपेसिटर हैं। तो बाय फोर डेटा शीट के हिसाब से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे 0 वोल्ट भी लिख सकता हूँ मैं, मतलब ये जो ग्राउंड टर्मिनल है आपका 0 वोल्ट है। ओके, तो अभी यहाँ पे 0.1 माइक्रोफैरेड डाल दो। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर का, 5 वोल्ट आउटपुट है, 6 वोल्ट के आगे जितने भी कैपेसिटर होंगे सब डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 वोल्ट के आगे जितने भी कैपेसिटर होंगे वो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इनकेस अगर शॉर्ट होता है तो शॉर्ट हमेशा वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, हमेशा इनपुट साइड में होता है, मतलब इनपुट सप्लाई आते ही डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, या अभी कभी भी शॉर्ट होगा तो ऐसा नहीं होगा, जैसे ये देखो ये ऐसा शॉर्ट नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है, इसलिए हमेशा ये शॉर्टिंग
ऐसा होता है। और इसका एक और एप्लीकेशन एडवांटेज ऐसा है कि इंटरनल शॉर्ट सर्किट करंट लिमिटिंग है, समझ लिए, इंटरनल शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। और आप ये भी बोल सकते हो कि हाई जो इसका इंटरनल थर्मल है, ओके, ओवर जैसा हम लोग ओवरलेट प्रोटेक्शन, इसके अंदर ओवरलेट प्रोटेक्शन की एक कैपेसिटी है, इसका मतलब कैपेबिलिटी है कि ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट कर ले, ठीक है, इतना समझ गया। अब कैपेसिटर आप कोई क्वेश्चन डालेगा क्या 0.33 एज पर द डेटा सेट हम से वैल्यू चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आप कौन से करंट और किसके डिज़ाइन के रिगार्डिंग काम कर रहे हो उस डिज़ाइन के हिसाब से आप कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर सकते हो, बिंदास चेंज कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो अभी 7805 का आपको कनेक्शन समझ गया। कुछ भी डाउट हो बिंदास कॉल कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर है 9762289704। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।